वहाँ ये किसी औरत के साथ घूम रहे थे। कोई इनके जानने वाली होगी? कंधे पे आतक के घूम रहे थे हैं? और बहुत ही अजीब और गलत बात है, किसी के साथ घूम रहे थे, किसी लड़की के साथ, कंधे पे हाथ रखे हुए। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के? अरे भैया बहुत धूप है, आंखें नहीं खुल रही हैं। तो आ गए हैं एक और बहुत बेहतरीन प्रैंक के साथ। तो भैया नाना आए हुए थे, दिमाग में एक आइडिया आया, थंबनेल टाइटल आपने देख लिया है। आइए नीचे चलते हैं, कैमरा लगाते हैं, प्रैंक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बन के निकलता है प्रैंक। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना, आ जाओ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। धूप में बैठ जाओ, अंदर ऐसे बैठो ना। बस अंदर पेपर पढ़ रहा था मैं। अच्छा, मैंने कहा पेपर पढ़ लूँ जरा, न्यूज़ देख लूँ। आप आज रात को चलेंगे? आज रात हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ तैयार हो ना? किससे क्या पूछना चाहिए। अच्छा। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, आप अपने तजुर्बे से बताना क्या क्या है मसला। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। क्या बताओ? अरे सुन ना पहले आपको, ये मैं अभी गया था ना 2-3 दिन पहले बाहर। अच्छा अच्छा। तो मैंने पापा को देखा वहाँ पर। कहाँ देखा? मतलब मैं कहीं गया था। अच्छा। तो वहाँ ये किसी औरत के साथ घूम रहे थे। अच्छा। औरत के साथ घूम रहे थे तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने ध्यान व्यान से देखा तो यही थे। अच्छा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा किससे बोलूँ, क्या है, मैंने गलत देखा? मैंने बहुत ध्यान से मतलब कई बार देखा। अच्छा, अच्छा। आगे पीछे से कि भैया यही थे, औरत के साथ घूम रहे थे। अच्छा। मेरे तो समझ नहीं आ रहा किससे बोलूं, क्या है मसला। तो कोई होगी औरत जानने वाली होगी भाई, इनकी कोई इनके जानने वाली होगी। कंधे पे आतक के घूम रहे थे हैं? हाँ, मेरे को कोई तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे किससे क्या बोलूं। जानने वाली भी अगर थी तो कंधे पे आतक का मतलब है वो तो। आप अपने तजुर्बे से बताओ क्या करना चाहिए मेरे को। नहीं तो ठीक नहीं है, आप बात कर लो, आपको सही लगे तो। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो मम्मी तक नहीं जानी चाहिए बात ना, मम्मी बेचारी परेशान हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बड़ी अजीब बात सुनाई तुमने। वही तो, मैं इतने दिन से मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि किससे क्या। नहीं तो बहुत ही अजीब और गलत बात है, बराबर में चलते चलते तो बात कर लेते हैं। उम्र है कोई वैसे? जी बिल्कुल गलत है। और परसों घर पे पता नहीं क्या बोल के गए, क्या नहीं ये भी तो नहीं पता। ओहो बताओ, वो तो मुझे दिख गए बाई चांस वहाँ पर। नहीं तो बिल्कुल गलत बात है, बहुत गलत बात है, है ना, एकदम गलत है। कोई उम्र है, मम्मी को पता चले मम्मी अलग परेशान रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को समझ नहीं आया था इसलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ। आप पढ़े हो, बिल्कुल आपको ज्यादा तजुर्बा है। और सबसे जो बड़ी बात है, इतनी बेतकल्लुफी के कंधे बात। हाँ वो तो गलत है, बात करते हुए तो चलते हैं कोई बात नहीं है। हाँ दोस्त, अगर ये है इस तरह की बात तो मतलब ये बहुत ही वो है, रंगीना में नहीं, गलत है, बिल्कुल एकदम गलत है ये तो। तो आप अपने उससे मतलब मौके उससे अब देख लेना इनसे कि भैया क्या। नहीं मैं बिल्कुल मालूम करूंगा भैया क्या चक्कर। मम्मी ना हो जब। हाँ 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 बिल्कुल, क्या चक्कर क्या है ये, आगे क्यों ऐसे नजर आए तुम, क्या बात हुई, और कौन है वो। हाँ अपने तरीके से आप थोड़ा पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा। हाँ इस तरह की बात, ये अजीब बात सुन रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ मैं भी चौंक गया देख के तो। हाँ बिल्कुल चौंक हो गई, तो आखिर तुम आखिर उनके बच्चे हो, लड़के हो। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं मालूम करूंगा कि भाई ये आखिर क्या क्या बात है। बुला के लाऊं अभी? हाँ बिल्कुल लाओ, मैं गुस्सा मत होना ज्यादा। नहीं नहीं थोड़ा, हाँ बिल्कुल। धूप तो बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी धूप, और अंदर ठंड लग रही है। चलो वही क्या, मौसम साफ हो क्या रहेगा। हाँ शकील खान सब खैरियत ठीक है? हाँ सब बढ़िया है। और आजकल क्या हो रहा है भाई जी? अब कुछ हो रहा आपके सामने, खाली घर पे बैठे हैं, क्या करना, जो करना था कर लिया, बस यही है। और क्या रखा? हाँ कुछ, असल में किसी से मैंने कुछ ऐसी बात सुनी, तुम किसी के साथ घूम रहे थे। घूम रहे थे? हाँ किसी के साथ घूम रहे थे, किसी लड़की के, किसी लेडी के साथ। हो सकता है कोई ऑफिस में काम करती हो? हाँ ऑफिस में तो बहुत सी लड़कियाँ भी काम करती हैं। अब लोग देखते हैं, खामो खा कहते हैं, बहरहाल एहतियात रखो इस बात की, मतलब ये बेकार लोग जुमले कसते हैं। अच्छा। वो करते हैं कि भाई वो खान साहब को हमने वहाँ घूमते देखा, उस लड़की के साथ घूमते देखा, तो ये बातें ज़रा ठीक नहीं लगती। हमारे कान में पड़ी तो हमें भी बड़ा वो हुआ, इस वजह से हम कह रहे हैं तुमसे। अच्छा आपके पास तक? हाँ वो कहा किसी ने।
अरे क्या कहें, ये लोगों का तो ऐसे ही बस बकवास खामो खा के उल्टी सीधी कर ही दे। कहाँ घूमना, कहाँ किस तरह, किसने बोल दिया, क्या बोल दिया? हैं बहुत से जाने वाले हैं, किसी ने देखा होगा तुम्हें कि क्या नाम है, तुम किसी के साथ घूम रहे थे, किसी लड़की के साथ कंधे पे हाथ रखे हुए। हाँ ये तो कहा उसने। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही अजीब बात सुनाई तुमने। मैंने कहा भाई बताएंगे हम, समझाएंगे भाई, तुम्हारी ये उम्र अब नहीं है, अपने बच्चे को देखो, बच्चे की क्या नाम है शादी के लिए सोचो और क्या। अरे तो कौन मिल गया आपको ऐसा बता दो। हैं जानने वाले कुछ लोग, हाँ हैं, बता देते हैं बेचारे पे तो कर लूँ। अब तो मैं घर से बाहर ही नहीं जा रहा, वैसे घर में हटा हूँ। ये पुरानी बात है थी जब लंच वंच घूमते थोड़े बहुत थे, घूम लिए थे। एहतियात रखो, बहरहाल मतलब काय के एहतियात, क्या करना है। माशाल्लाह बच्चा बड़ा हो गया है, उसकी शादी का सोचो और क्या, अपने घर का सोचो और क्या। तो अपना क्या करना, क्या सोच रहे हैं, हमने करा क्या, और सारा दिन घर का ही सोचा है, करा क्या हमने सारा दिन। बच्चे के लिए सोचो भाई, उसके लिए कोई यहाँ ठीक मिल जाए वो है। हाँ बस दुआ करो जी आपके, बस ठीक ठाक अल्लाह से दुआ करते रहते हैं। ये तो मतलब कौन था, कौन रहे थे ये बदमाश? बस वो था कोई, मैंने देखा, इस वजह से मुझे जरा सा वो हुआ थोड़ा सा। मतलब शिकायत भी आपसे करी है? वो कहा उसने, कैसे थे, हमने खान साहब को घूमते हुए देखा। हाँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ये उम्र और खान साहब लगने की तो बात ही है, ये उम्र और खान साहब घूम रहे हैं औरत के साथ, ये लड़की के साथ, किसी के साथ नहीं। ये तो बात सही है, इस वजह से मैं वो आपने मुझसे बात के लिए नहीं। हाँ यही कह रहा हूँ, खामखा ये होता है, इसमें गलतफहमियाँ बढ़ती हैं। नहीं बिल्कुल है, गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं, इस वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम एहतियात करो। आपने बात साफ कर दी, ऐसा कुछ नहीं जी, एहतियात रखो। और क्या नाम है, हाँ ठीक है, अब तो हम जा ही नहीं रहे, बाहर ही नहीं जा रहे, तो ठीक है, अब तो दूसरे डर में घर में पड़े, कहाँ जाना है बताओ। बता लेकिन हरा ही बंद हो गया लोगों का, बताओ। लोग तो रहते हैं ना अपने उसमें, और क्या, कि किसी तरह से कोई कमी हम देखें किसी में, उजागर करें और क्या। और ये कर भी आपसे कर रहा था, हाँ भाई ताल्लुक है ना हमसे। कौन सा बता, बस वो है कोई जी, तो एहतियात रखो बस, ये तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है। और वो हाँ और क्या, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा बकवास। क्या हो गया, सब खैरियत? हाँ ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है, तुमसे मुताल्लिक कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं का पता नहीं क्या बात हो, हाँ नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कुछ। हाँ अरे ऐसा कुछ नहीं, सब बकवास की बात है, हैरानी पड़ रही है, तो समझ में दिमाग में नहीं आ रही है, हैरानी है कौन ये। बस हाँ मैंने तुमसे बात की, हाँ तुमने कुछ मंगा रही है। हाँ अरे बताओ यार, दुनिया भी सारी चैन से रहने देती यार, अब है भाई तो बस तो खो यार। तो किसी ने मुझे बताया कि भाई क्या नाम है ऐसे से, ये नहीं नहीं मतलब क्या कह रहे हैं, सच्ची बात लग रही है आपको? नहीं मुझे तो सच्ची नहीं लग रही, झूठ झूठ है। हाँ झूठ ही है, मैंने गलत देखा। हाँ बस वो कोई ऑफिस की होगी, वैसे तो वो मना कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब बातों से आपको लग रहा है सच बोल रहा है ऐसे ऐसे, मतलब ये नहीं, आप तो जो बहुत ज्यादा तजुर्बा है, हाँ बातों से क्या लगा सच बोल रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ऐसी बात में नहीं है, और मेरी क्या नाम है इतने दिन रिटायर को हो गए, रिटायरमेंट को, और मैंने ऐसा नहीं किया कभी, तो मतलब सच बोल रहे हैं? हाँ ये कह रहे हैं कि मैं तो मेरे से धोखा हो गया होगा, यही हो सकता है भाई। अब ये तुम देखो कि धोखा हुआ या नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो जब भी आपसे डिस्कस करी, मैं ये कोई अब वो ना पूछना है, मैं ना मुझे बताता, सही बात है। मैं बुरा मैंने कहा किसी ने मुझसे कहा है, किसी ने जी देखा है तुम्हारे कोई मेरे से हुआ होगा। हाँ
अब तो आपसे हो गई बात क्लियर, मना कर रहे हैं आपको तो? हाँ वो तो मना कर रहे हैं साहब बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल गलत हाँ बिल्कुल नहीं गलत कहा आपसे किसी ने, ऐसा नहीं नाम तो नहीं बताया ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नाम से क्या मतलब। हाँ मैंने कहा मेरे जानने वाले हैं उन्होंने बताया, जब भी मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस उम्र में ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ही मना कर रहे हैं आपके साथ ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल मना कर रहे हैं। चलिए पढ़ लीजिए आप न्यूज़पेपर। हाँ बिल्कुल रात को चलेंगे ठीक है सर? ठीक इंशाल्लाह।